पंजाब में चारों तरफ कत्लेआम हो रहा है। सीमा पर हिंदू और मुसलमान मुजाहिरों। 2023 में गदर 2 से तहलका मचाने वाले सनी देओल एक और इसी तरह की फिल्म लेकर आने वाले हैं। दिल की इस फिल्म का नाम है लाहौर 47 और इस फिल्म से दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर आमिर खान का भी खास कनेक्शन है। साथ ही दोस्तों आपको बता दे चले कि लाहौर 47 आमिर खान के प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही है। फिल्म का डायरेक्शन मशहूर डायरेक्टर राजकुमार संतोषी कर रहे हैं और सनी देओल आमिर खान और राजकुमार संतोषी की तिकड़ी धमाल मचाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसी बीच खबर आ रही है कि फिल्म का क्लाइमेक्स बेहद ही खास और शानदार होगा। दोस्तों आपको बताते चले सनी देओल की ये मच अवेटेड फिल्म एक ट्रेन सीक्वेंस के साथ खत्म होगी। इसे लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है कि लाहौर 47 की शूटिंग भारत विभाजन के सबसे महत्वाकांक्षी ट्रेन सीक्वेंस के साथ खत्म होगी, जिसमें पहले देखे गए किसी भी सीन के उलट एक अलग और बड़ा होगा। और इसे दोस्तों आपको बता दें कि बेहद ही सावधानी से तैयार किया जा रहा है। दावा तो ये भी किया जा रहा है जो कभी नहीं हुआ वो लाहौर 1947 में होगा। इसका क्लाइमेक्स बेहद ही अलग और खास तरीके से तैयार किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें भारत विभाजन के समय इमोशनल पल दिखाए जाएंगे। इस सीक्वेंस को कई हफ्तों तक बड़े कलाकारों और क्रू के साथ फिल्माया जाएगा, जिससे कई दर्शकों को नया एक्सपीरियंस मिलेगा। साथ ही दोस्तों आपको बताते चले कि अभी फिल्म लाहौर 47 का काफी काम बचा हुआ है। आपको ये भी बता दें कि सनी देओल के साथ इस फिल्म में बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस प्रीति जिंटा नजर आने वाली है। और इससे पहले सनी देओल प्रीति जिंटा के साथ भैया जी सुपरहिट में काम कर चुके हैं और ये फिल्म 2018 में आई थी, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप रही थी। वहीं बात करें फिल्म लाहौर 47 की तो ये फिल्म साल 2025 तक सिनेमाघरों में दस्तक देगी। सनी देओल ने साल 2023 में ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर 2 के साथ शानदार कमबैक किया था और ये फिल्म उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल था। पर इसी बीच माधुरी दीक्षित ने सनी देओल की इस फिल्म पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा, सनी देओल मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, साथ ही वो एक बेहतरीन कलाकार भी हैं। जितना ही वो फिल्मों में गुस्सेल अंदाज में दिखते हैं, उससे ज्यादा वो नरम दिल के हैं। मैंने सनी देओल के साथ केवल एक ही फिल्म की है। मैं उनके त्रिदेव नामक मूवी में काम कर चुकी हूँ। एक फिल्म का एक गाना भी उनके साथ शूट कर चुकी हूँ। उनका एक एक डायलॉग लोगों को हैरान कर देता है। जिस तरह उन्होंने गदर 2 में सक्सेस हुए, उसी तरह वो अपनी आने वाली हर फिल्म में सक्सेस हों। माधुरी दीक्षित के इस रिएक्शन पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजें। भाई की थी। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि सनी देओल इस समय फिल्म जट की शूटिंग भी कर रहे हैं और इस फिल्म की शूटिंग खत्म करने के बाद सनी देओल बॉर्डर 2 की शूटिंग शुरू कर देंगे। इसके अलावा सनी देओल के पास अपने 2, सूर्य बाप, रामायण, जन्मभूमि, ये सभी फिल्में हैं जिस पर अभी काम किया जाने वाला है। फिलहाल दोस्तों आपका लाहौर 47 के क्लाइमैक्स को लेकर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। बॉलीवुड की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।